नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फोबर्ग जेएनके का पहला फीमेल और पहला इन्फोटेनमेंट चैनल। मैं हूं अमर चौहान और दिन भर की अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्फो अपडेट्स। ब्लैक फंगस से जम्मू कश्मीर में हुई पहली मौत, 40 वर्षीय मरीज ने गवाई जान। प्रदेश में ब्लैक फंगस का शिकार हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज जम्मू जीएमसी में शुक्रवार को 40 वर्षीय मरीज के उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हाल ही में वे कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए थे। प्रदेश में हुई पहली मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुकी है। इस पर काबू पाने के लिए कई तैयारियां भी चल रही हैं। प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर शशि सूदन ने बताया कि मरीज पिछले 2 दिन से निगरानी में थे। आज दोपहर उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मरीज हाल ही में कोविड-19 को मात देकर ठीक हुए थे। इसके बाद वे अनियंत्रित मधुमेह से पीड़ित थे। इस बीच पता चला कि मृतक पुंछ जिले के रहने वाले थे, जिसे 19 मई को भर्ती कराया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसराइल फिलिस्तीन टकराव युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट नहीं, दोनों पक्षों के अलग अलग बयान। 11 दिन तक फिलिस्तीनी इलाकों पर हमले जारी रखने के बाद आखिरकार इसराइल युद्ध विराम पर राजी हुआ। फिलिस्तीनी गुट हमास ने भी अब कोई आक्रामक कार्रवाई ना करने का वादा किया है, लेकिन युद्ध विराम किन शर्तों पर हुआ है इसे लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग ब्यौरे हैं। लेखक का दावा, वुहान की ही एक लैब से लीक हुआ कोरोना, फिर पूरी दुनिया में कैसे फैला। कोरोना वायरस को लेकर एक नए शोध के मुताबिक कोरोना को चीनी वैज्ञानिकों ने एक लैब में बनाया था, जहां से ये लीक हुआ था। शोध में बताया गया कि अब लैब से निकलकर ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और तबाही मचा रहा है। साइंस रिसर्च मैगजीन बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में छपे एक लेख में प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेखक निकोलस वेट ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस को चीन के वुहान स्थित BSL-2 लैब में बनाया गया, जहां से ये पूरी दुनिया में लीक हुआ। निकोलस वेट ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंड मुहैया कराने वाली अमेरिकी संस्था इको हेल्थ अलायंस ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर डॉस्टेस के इंटरव्यू को अपना लेख का आधार बनाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरीज को सिम्टोमेटिक कोरोना का कोरोना तो फाइजर एस्ट्राजेनेका देगी एक जैसे नतीजे, स्टडी में खुलासा हुआ है। यानी कि दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर रोजाना ही शोध किए जा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। ये शोध इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कोरोना से लड़ने में आसानी हो। एक नए शोध के मुताबिक फाइजर बायोनटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बनाई गई वैक्सीन संक्रमण के खिलाफ एक समान सुरक्षा प्रदान करती है। ब्रिटेन में कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों पर रियल वर्ल्ड डाटा के विश्लेषण ने ये दावा किया है। यूके सरकार की कार्यकारी एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड इस शोध को बाहर लेकर आया है। इस शोध के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की ये पहली खुराक के सिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ 54% असरदार रहने का अनुमान है, तो वहीं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 53% असरदार रहने का अनुमान है। तलाक के मामलों में चीन ने लागू किया अनोखा नियम, 72% तक घट गए केस। चीन में पिछले साल के मुताबिक इस साल तलाक के पंजीकृत मामलों में 72% की गिरावट आई है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों ने जानकारी ये सामने रखी है। इन आंकड़ों के मुताबिक 2021 की पहली तिमाही में 2.96 लाख तलाक के मामले पंजीकृत हुए थे, जबकि पिछले साल अंतिम तिमाही में 10.60 लाख तलाक के मामले रजिस्टर हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि कूल ऑफ नियम की वजह से चीन में तलाक के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि चीन में 1 जनवरी 2021 में सिविल कोड लागू किया गया था, इसे मई में संसद से मंजूरी मिली थी। कोविड वैक्सीन भारत को टीके की 8 करोड़ डोज देगा अमेरिका, सरकार के पास नहीं है स्पष्ट जानकारी। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन की भारी कमी से जूझ रहे भारत के लिए अमेरिका से राहत देने वाली खबर सामने आई है। कोरोना महामारी में भारत जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर
जूझ रहा है, वहीं वो ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसी बीच भारत को सहयोग करने के लिए अमेरिका सरकार आगे आई है। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे भारत को अमेरिका ने 8 करोड़ वैक्सीन की डोज देने का ऐलान किया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम अमेरिकी सरकार के साथ संपर्क में हैं, लेकिन इस मामले में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कोरोना का कहर, मई में रिकॉर्ड तोड़ मौतें, महज 19 दिन में 75,000 लोगों की गई जान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जानलेवा और घातक साबित हो रही है। मई में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के नए केस दर्ज हुए हैं और रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 19 दिनों में इस महामारी से 75,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। मई के शुरुआती दिनों में रोज़ाना कोरोना के 4 लाख तक नए मामले सामने आए थे। हालांकि कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, फिर भी नए मरीजों की संख्या हर दिन 2.5 से 3 लाख तक की दर्ज की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। खासकर यहाँ 40 साल से कम उम्र के युवाओं पर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। डीआरडीओ ने बनाई डिप्को वैन एंटीबॉडी डिक्टेशन किट। कोरोना से निपटने के लिए देश के डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिक तक कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और काम कर रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार की संस्था रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल डीआरडीओ ने यानी इस संस्था ने डिप्को वैन एंटीबॉडी डिक्टेशन किट का निर्माण किया है। ये किट 97% की उच्च संवेदनशीलता और 99% की विशिष्टता के लिए वायरस के म्यूटेशन का पता लगा सकती है। इसके साथ ही ये वायरस के लिए न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन का भी पता लगा सकती है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,735 नए मामले, 172 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जल्दी निजात मिलना मुश्किल लग रहा है। उसी दौरान इस संकट के दौर कोरोना वायरस के साथ साथ एक और नई बीमारी सामने आई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। हालांकि ब्लैक फंगस के मामले देश के कई राज्यों में फैल रहे हैं, इतना ही नहीं ब्लैक फंगस के अलावा अब व्हाइट फंगस नाम की भी एक बीमारी फैलने लगी है। आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ इसकी उन्होंने बैठक भी की और इस मुद्दे पर उन्होंने बातचीत भी की। आरबीआई बोर्ड ने दी मंजूरी, सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करेगा केंद्रीय बैंक। 21 मई 2021 को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। बोर्ड ने अपनी बैठक में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली बॉर्डर पर केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए प्रदर्शन स्थलों के पास ही कोविड टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग की है। टिकैत का बयान ऐसे समय में आया है जब सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे 2 किसानों की मंगलवार को मृत्यु हो गई और उनमें से 1 किसान कोरोना वायरस से संक्रमित था। जम्मू कश्मीर में सामान्य लक्षणों वाले कोरोना मरीजों का CHC में होगा अब से इलाज। केवल गंभीर मरीजों को ही GMC और CD अस्पताल यानी चेस्ट डिजीज अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। स्वास्थ्य निदेशालय ने CHC में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड से लेकर वेंटिलेटर भी मुहैया करवाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। जम्मू कश्मीर में 2 लाख के करीब पहुंचे कोरोना संक्रमित मामले, 2,458 मरीजों ने गंवा दी अपनी जान। जहां मंगलवार को 4,400 से ज़्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 दिनों में संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार हो जाएगा। बीते 1 सप्ताह में अगर नज़र डालें तो करीब 29,000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 74,18,169 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
इनमें से 152,109 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 37,302 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से कश्मीर की हालत ज़्यादा खराब है, यहाँ 24,172 सक्रिय केस हैं, एक्टिव केसेस हैं। वहीं जम्मू संभाग में 13,130 मरीजों का घर और अस्पताल में इलाज चल रहा है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग में कोर्ट की अनुमति बिना कोई भी निर्माण कार्य अब से नहीं होगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी की खंडपीठ में अवैध और अनाधिकृत निर्माणों के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मास्टर प्लान के उल्लंघन में गुलमर्ग और तनमर्ग में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्माण गतिविधियों को जारी रखता है तो संपत्ति को तत्काल सील कर दिया जाएगा, और कोर्ट ने कहा है कि क्षेत्र में किसी भी भवन या निर्माण सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंत में खेल समाचार, तैराक क्लिनमेंट ने 3 साल पुराना अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। रशियन तैराक क्लिनमेंट ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में अपना ही 3 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20 वर्षीय क्लिनमेंट ने यूरोपियन चैंपियनशिप में 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में सेमीफाइनल में 23.93 सेकंड का समय निकालकर अपने पिछले रिकॉर्ड में 0.07 सेकंड का सुधार किया। उन्होंने 2018 में ग्लासगो में यूरोपियन चैंपियनशिप में 24 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तब उन्होंने 6 पदक जीते थे जिसमें 3 स्वर्ण पदक थे। हालांकि 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा मौजूदा ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है। तो ये थी आज की इन्फो अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, और आज आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस आज की इस डेट में काफ़ी चिंता का विषय बनी है। और ब्लैक फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये किन लोगों को होती है, क्या ये छूने से फैलती है, और इसका एज ग्रुप क्या है। जिस तरह से कोरोना वायरस ज़्यादातर अभी बताया जा रहा है कि ये युवाओं को हिट करती है, टारगेट करती है, और कोरोना वायरस छूने से फैलता है, तो क्या ब्लैक फंगस छूने से फैलता है। इस तरह के बहुत से सवाल आपके जहन में अगर हैं, आप ब्लैक फंगस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आज 9 बजे इन्फो बग के यूट्यूब चैनल पर और हमारे इन्फो बग के फेसबुक पेज पर हमें ज़रूर देखें, क्योंकि आज स्पेशल इन्फो बग पर हमने ब्लैक फंगस पर एक डॉक्टर संदीप गुप्ता, जो जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं गांधीनगर हॉस्पिटल में, वहाँ पर वो गांधीनगर क्लिनिक में वो वहाँ पर बैठते हैं और एक आई सर्जन हैं, उनके साथ ये इंटरव्यू किया है खास आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो हम सॉल्व कर सकें, उनका जवाब हम आपको दे सकें। तो वो ज़रूर देखें 9 बजे यूट्यूब पर, 9:30 बजे आप फेसबुक पर देखें कि ब्लैक फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे ठीक हो सकता है, क्या ये छूने से फैलती है, और इसके क्या कारण हैं, तो ये ज़रूर देखें 9 बजे यूट्यूब पर, 9:30 बजे फेसबुक पर। हमारे साथ यूं ही बने रहें और देखते रहें इन्फोबग।